द्विघात समीकरण के मूल मूल कहा जाता है जो वैसा मान जो x के जगह पे रखेंगे ना तो समीकरण का मान जीरो हो जाएगा। जैसे अगर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर बराबर जीरो, तो इसमें अगर x के जगह पे अगर रख दे माइनस दो, ओके, तो इसका मान कितना होगा, तो माइनस दो का स्क्वायर प्लस चार गुने माइनस दो प्लस चार, माइनस दो का स्क्वायर चार प्लस चार दुना माइनस आठ प्लस चार, चार और चार आठ, माइनस आठ बराबर जीरो। तो जब भी अगर x के जगह पे कितना मान रखे, x बराबर मान रखे माइनस दो, तो समीकरण का मान कितना आ गया जीरो। तो ये x बराबर दो क्या होगा, समीकरण का हल होगा, ओके। तो जो उसका हल होता है उसी को कहा जाता है मूल, ओके। अब उसके बाद यहाँ से समीकरण का जो मूल है उसको निकालने का दो विधि, एक गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि, और दूसरा है द्विघात समीकरण से, द्विघात सूत्र से। दो विधि, एक गुणनखंड विधि और एक द्विघात सूत्र से। जैसे दे देते हैं कोई समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस ग्यारह एक्स माइनस ग्यारह एक्स प्लस तीस, ओके। अब ये द्विघात समीकरण बराबर जीरो, द्विघात समीकरण है और इसका हल बताना है, तो सबसे पहला गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से इसका हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो समीकरण लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ग्यारह एक्स प्लस तीस, उसके बाद यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला है यहाँ पे तीस, और हमेशा अगर अगर बराबर के इधर भी कुछ दिया हो तो इसको ला करके इधर रखेंगे, बराबर को उधर जीरो रहना चाहिए। जो तीस है अब इस तीस का गुणनखंड करेंगे, ओके। तो तीस को दो से पंद्रह, फिर तीन से पाँच, ओके। अब उसके बाद इसको इस तरह से गुना करके जोड़ेंगे कि जोड़ने पर ग्यारह आ जाना चाहिए, तो यहाँ से तीन दुना छः और छः पाँच ग्यारह, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस छः एक्स माइनस पाँच एक्स प्लस तीस बराबर जीरो। इन दोनों में से x है, x कॉमन कर लेंगे तो x कितना, x माइनस छः, फिर इस दोनों में से पाँच है, छः पंचे तीस होता है ना, तो पाँच इसमें भी गुना में है और पाँच यहाँ भी x के साथ गुना में है, दोनों में से माइनस पाँच कॉमन, तो यहाँ से बचेगा x, ये दोनों में से माइनस पाँच कॉमन कर लिया तो यहाँ से बचेगा x, और जब प्लस वाला में से माइनस कॉमन करेंगे तो इसको माइनस में लिखेंगे उल्टा चिन्ह, तो यहाँ पे माइनस छः। और हमेशा याद रखे रहना जब इसमें कॉमन लेंगे तो हमेशा ब्रैकेट में दोनों जगह बराबर ही आएगा सब, अगर बराबर नहीं आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हो गया। फिर इस दोनों में से x माइनस छः को कॉमन कर लेंगे, x माइनस छः, तो यहाँ से बचेगा x माइनस पाँच बराबर जीरो। अब दो चीज़ का गुना जीरो कब होता है, जब दोनों में से किसी एक का मान जीरो हो, तो अगर मान लेते हैं कि एक्स माइनस छः जीरो हो, एक्स माइनस छः बराबर जीरो, तो एक्स बराबर छः, और x माइनस पाँच अगर बराबर जीरो हो तो x बराबर पाँच, तो हल कितना आ गया, तो हल आ गया x बराबर पाँच या छः, ओके। तो इसका हल पाँच और छः आ गया। ये तो हो गया गुणनखंड विधि से, अब दूसरा आ गया द्विघात सूत्र से, तो उसमें गुणनखंड नहीं करना पड़ेगा। तो द्विघात सूत्र में सबसे पहला आता है विवेचक, विवेचक या इसी को दूसरा नाम विविक्तर कहा जाता है, विविक्तर, या इंग्लिश में इसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट नेंट, ओके। और हमेशा इसको डी से दिखाया जाता है, ओके। डी बराबर सूत्र होता है, डी बराबर
बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ओके, अब यहाँ से इसमें क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर समीकरण कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस ग्यारह एक्स प्लस तीस। अब इसमें ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर के साथ में जो गुना होता है वो ए, तो ए बराबर एक, बी बराबर माइनस ग्यारह और सी बराबर तीस। या जो पहला वाला एक्स स्क्वायर के साथ में जो गुना होगा वो ए, जो एक्स के साथ गुना होगा वो बी, और जो कांस्टेंट होगा वो सी। अब उसके बाद यहाँ से डी निकालेंगे, डी बराबर, तो सबसे पहले डी बराबर निकालेंगे, तो डी बराबर कितना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो माइनस ग्यारह का स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस फोर ए, ए का मान एक और सी का मान तीस। ठीक है, ग्यारह का स्क्वायर कितना, एक सौ इक्कीस, एक सौ इक्कीस माइनस तीस चौका एक सौ बीस, एक सौ बीस है, तो कितना बचेगा एक, डी बराबर एक। ओके, अब उसके बाद द्विघात सूत्र जो होते हैं, द्विघात सूत्र, तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। ओके, या एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा टू ए। ओके, जब डी अगर बाहर पहले ही से पता हो तो ये वाला फॉर्मूला, और जब डी पहले से ना निकाले हो तो ऊपर वाला फॉर्मूला। अब यहाँ से डी का मान एक आ गया, अब यहाँ से मान निकालेंगे, तो एक्स बराबर तो माइनस बी का मान कितना है, माइनस ग्यारह, माइनस ग्यारह प्लस माइनस रूट डी है, डी का मान एक, रूट एक बटा दू और एक, ए का मान एक। ओके, एक्स बराबर कितना, तो माइनस माइनस प्लस ग्यारह प्लस माइनस रूट एक का मान एक बटा दो। तो एक बार ग्यारह में एक जोड़ेंगे, एक बार ग्यारह में से एक घटाएंगे, प्लस मतलब ऊपर वाला जो चिन्ह है प्लस, इसका मतलब एक बार जोड़ना है, माइनस चिन्ह है नीचे मतलब दूसरा बार घटाना है, तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर 11 प्लस एक बटा दो, और दूसरा x बराबर 11 माइनस एक बटा दो, तो ये आ जाएगा x बराबर 12 बटा दो, और इधर आ जाएगा x बराबर 10 बटा दो, तो इधर x बराबर 6 और इधर x बराबर 5। आगे तो यहाँ से भी ये गुणनखंड विधि से भी उतना ही आया है हल, 5 और 6, और इधर भी हल आ गया कितना, 5 और। तो इस तरह से दोनों विधि से, अब जैसे वहाँ पे बोलेगा पहले गुणनखंड विधि से बोलेगा तो गुणनखंड विधि से इस तरह से बनाएंगे, हमेशा लास्ट वाला जो होगा उसका गुणनखंड करेंगे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा तब, लेकिन अगर यहाँ पे अगर कोई अंक हो ना तो उससे इसको लास्ट वाला को गुना करके तब उसके बाद गुणनखंड करेंगे, अगर यहाँ पर होगा। अभी तो एक्स स्क्वायर है, कभी थ्री एक्स स्क्वायर या फोर एक्स स्क्वायर दे दे तो पहले वाला और लास्ट वाला को गुना करके तब उसके बाद उसका गुणनखंड करेंगे, और इसमें तो गुणनखंड का ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा बन जाएगा। तो बहुत ज़्यादा अगर हार्ड क्वेश्चन होता है तो उसको इस विधि से, नॉर्मल क्वेश्चन है तो इसको इस विधि से, जैसे रूट वाला है, रूट वाला आ जाता है तो उसका गुणनखंड करने में दिक्कत होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसमें ये वाला सबसे अच्छा होता है, एक ही बार में निकल जाएगा। अब अगर समीकरण द्विघात समीकरण अगर पी एक्स स्क्वायर बराबर क्यू अगर इस रूप में दिया हो तो एक्स स्क्वायर बराबर होगा पी बटे क्यू, और एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर पी बटा क्यू। ओके, जैसे फोर एक्स स्क्वायर बराबर पच्चीस। ओके, तो यहाँ से इसका मूल बताना है, हल कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना, पच्चीस बटा चार, तो एक्स बराबर कितना, प्लस माइनस रूट अंडर पच्चीस बटा चार, पच्चीस का वर्गमूल कितना, पाँच, पाँच बटा चार का दो, तो एक्स बराबर आ गया है एक, पाँच बटा दो, और एक्स बराबर एक माइनस पाँच बटा
दो, ये हो गया। दूसरा है कि अगर दिया रहे एक्स स्क्वायर बराबर पी, हो गया, तो एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर पी। जैसे अगर दिया रहे कि एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर थ्री ना, या अगर इस रूप से दिया रहे इस रूप में, तो एक्स स्क्वायर माइनस पी बराबर जीरो, तो क्या आ जाएगा, एक्स बराबर पी, तो एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर पी, एक्स स्क्वायर बराबर पी, तो एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर पी। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस पाँच बराबर जीरो है, इसका हल बताना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस पाँच बराबर जीरो, तो एक्स स्क्वायर बराबर पाँच, ये जाएगा उधर प्लस हो जाएगा, तो एक्स बराबर तो प्लस माइनस रूट पाँच, इसका मतलब एक्स बराबर रूट पाँच और एक्स बराबर माइनस रूट पाँच। इसी तरह से अगर एक्स माइनस नौ, एक्स स्क्वायर माइनस नौ बराबर जीरो, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना, एक्स स्क्वायर बराबर नौ, तो एक्स बराबर प्लस माइनस रूट नौ, नौ का मान तीन, तो एक्स बराबर प्लस माइनस तीन, इसका मतलब एक्स बराबर तीन और एक्स बराबर माइनस तीन। तो अगर इस तरह का रहेगा शुरू शुरू में जब क्वेश्चन सब है वो इस तरह से बनाने वाला है शुरू शुरू, और बाद में जब हार्ड करेगा तब उसके लिए सब।